दोस्तों, मैं जीके सैनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट ओनली जीके में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे RPSC राजस्थान पुलिस SI रिट पटवारी ग्राम सेवक राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके का हमारा छठा भाग है। अगर आपने हमारे पिछले पांचों वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें राजस्थान पुलिस 2017-18 के प्लेलिस्ट के अंदर शामिल है। आप हमारे सभी वीडियो देखें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि उनमें बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। से बुरे शाह की मजार किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले के मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। सवाल नंबर दो, फड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर ही। 21 जिले के अंदर है तो भीलवाड़ा। उसके बाद में तीन नंबर सवाल हमारा है, मुमल की मेड़ी किस जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में स्थित है। दोस्तों, जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद में चार नंबर सवाल देखिए दोस्तों, जाजम छपाई का प्रमुख केंद्र अकोला चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। पांचवा सवाल, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? बांस को कहते हैं। बांस एक प्रकार की घास है। उसके बाद में छह नंबर सवाल, राज्य सुअर प्रजनन केंद्र किस जिले के अंदर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। सातवां सवाल, भारत का एकमात्र सर्प उद्यान किस जिले में है? कोटा जंतुवाले कोटा जिले के अंदर है। आठ नंबर सवाल, राजस्थान के कितने जिलों में नदी नहीं है? दो जिले हैं, कौन कौन से हैं? चूरू और बीकानेर। नौ नंबर सवाल, तीर्थों का मामा किसे कहा गया? पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। भारतीय भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला 11 नंबर सवाल, राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? राणा कुंभा को माना जाता है। उसके बाद में 12 सवाल, खातोली किस जिले में स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। अगला 13 नंबर सवाल, जैसलमेर के राजाओं की छत्रियां क्या कहलाती है? बड़ा बाघ की छत्रियां। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने एक जिला दें कोटा जिले की राजाओं की छत्रियों को क्या कहते हैं, इसका हमें कमेंट के जरिए आपको आंसर बताना है। 14 नंबर सवाल, रणथंभौर का युद्ध कब हुआ? 1301 में हुआ। 15 नंबर सवाल, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में हुई। उसके बाद में 16 नंबर सवाल, आगी बाण समाचार पत्र के लेखक कौन है? जय नारायण व्यास। उसके बाद में 17 नंबर सवाल है, बयाना का प्राचीन नाम क्या है? बयाना प्राचीन नाम है श्रीपंत, और ये किस जिले के अंदर है आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। 18 नंबर सवाल, रियासत विभाग का सचिव कौन था? जब एकीकरण होता उस समय रियासत विभाग का सचिव कौन था? VP मेनन था। उसके बाद 19 नंबर सवाल, हाथी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? जयपुर में किया जाता है, और ये मार्च माह में किया जाता है। आज का लास्ट सवाल, 20 नंबर सवाल, RTDC की स्थापना कब हुई? 1979 के अंदर, यानी 1979 में हुई। RTDC की फुल फॉर्म आप हमें कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही हम वीडियो और लेके आएंगे भाग नंबर 7। और अगर आपने हमारे पूरे भाग नहीं देखे तो आप प्लीज भाग देखिए, यानी राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। और हम 10 भाग, यानी ये 10 भाग होने के बाद में राजस्थान पुलिस के सेकंड लेवल, ये सेकंड भाग जो 30 नंबर का आता, उसका वीडियो हम आपके अपडेट करेंगे। उनमें 5 पेपर बनाएंगे, 5 भाग बनाएंगे, उसके बाद में वापस 10 भाग इसके बनाएंगे, और हर हफ्ते के अंदर हम
और टेस्ट रखेंगे, जो टेस्ट रखेंगे वह ऑप्शन सहित रखेंगे, उसके आंसर आपको कमेंट के जरिए देना है। उसके अगले दूसरे हफ्ते के अंदर हम उसके आंसर की जारी करेंगे और आप लिख भी सकते हैं अपने रफ पेपर रफ कॉपी में आंसर की बना के लिखें कि आपको अनुमान लगाना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अगर कितनी हमें राजस्थान पुलिस की तैयारी करिए। दोस्तों अगर आपको राजस्थान पुलिस की पूरी जी जान लगा के तैयारी करो तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि पोस्टें 5,500 पोस्टें की भर्ती आ रही है। अगर हम आपको जो हम भाग बता रहे हैं राजस्थान जीके के, वो राजस्थान जीके के आप नोट्स के जरिए हमेशा 20-20 सवाल आते हैं, आप उसे बनाइए और उसमें पढ़िए एक बार दो बार तो आपसे जरूर याद हो जाएगा दोस्तों। और जो आपका जो राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, पैटर्नड है, कौन कौन सी बुकें हैं वो हमने हमारे वीडियो में बता रखी है, आप उसे उस बुकों को लाइए और उससे मेहनत कीजिए। दोस्तों कोचिंग की कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग जा सकते हैं या नहीं जा सकते, जिसकी रीजनिंग मजबूत है, मैथ्स मजबूत है, वह जीके खुद पढ़ सकता है और यूट्यूब चैनल के जरिए भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।